हेलो दोस्तों, सुनीता के ख्याली पुलाव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे काले चने। काले चने के फ़ायदे से आप अनजान नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इसे हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। काला चना की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे भिगोया हुआ काला चना लिया है। 1 कप काला चना को मैंने रात को भिगो दिया था, तो ये फूल के बड़े हो गए हैं और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब हम इसे कुकर में डाल देंगे और इसी के साथ हम 4 कप पानी डालेंगे इतने चनों के लिए। 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा चना की सब्ज़ी में। 2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1/3 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 2 टीस्पून रिफाइंड तेल डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से छील के धो लिया था। उसके बाद ऐड कर देंगे। कवर करके हाई फ्लेम में हम पहले 1 सीटी आने देंगे। फिर क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में 7 से 8 सीटी आने देंगे। जब 7वीं सीटी आ गई थी तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और कुकर का पूरा प्रेशर रिलीज़ होने तक वेट किया था। और यहाँ पे कुकर ठंडा हो गया है, तो हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, चना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरीके से एक चेक कर लेंगे तो एकदम दब रहा है, ऐसा ही पका हुआ चना चाहिए हमें। हार्ड है तो आप फिर से इसमें सीटी लगा के पका लीजिए, पानी भी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा आपको फिर। और आलू भी टूटने लगे हैं, मीन्स के आलू भी बहुत अच्छे से पक गए हैं और ग्रेवी के लिए भी पानी परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप जितना चना को निकाल लिया है, इसे हम ऐसे ग्लास की मदद से क्रश कर लेंगे। अच्छे से बॉयल हो गया तो एकदम आसानी से हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि हम कम मसाले का इस्तेमाल करेंगे, फिर भी ग्रेवी गाढ़ी रहेगी और अच्छी लगेगी चना की सब्ज़ी। और इसे हम रखते हैं थोड़ी देर साइड में। अब हम कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। जो भी कुकिंग ऑयल का आप इस्तेमाल करते हैं उसे डाल दीजिएगा। 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 2 हरी मिर्च को बीच से तोड़ के डाल देंगे। कुछ सेकंड फ्राई करेंगे। इसके बाद 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बारीक काट के लिया है, इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कवर करके हम प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तड़के में आप जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था। और ये देखिए, प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसे थोड़ा सा और भून लेंगे, इसमें थोड़ा अच्छा कलर आ जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हो गया है प्याज का, तो हम इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन क्रश किया हुआ डाला है मैंने। आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी लगातार चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। कंटिन्यूसली चलाते हुए मैंने प्याज को फ्राई किया था। बीच में आप छोड़ देंगे तो प्याज जल भी सकते हैं। जब प्याज फ्राई हो गया था तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाला है। 2 टेबलस्पून पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके मसाला को भी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। मसाला के हिसाब से आप थोड़ा सा नमक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मुझे बॉईल किया हुआ चना में थोड़ा सा ज़्यादा नमक लगा, तो मैंने नहीं डाला है यहाँ पे। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाला था। मुझे थोड़ा सा कम खट्टा चना की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैंने 1 ही डाला था। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मिक्स करके कवर करके टमाटर को सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा पका लिया था। और ये देखिए, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तो हम लगातार चलाते हुए इसे पका लेंगे। ऐसे भूनते रहेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से पक गल ना जाए इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, इसमें से ऑयल रिलीज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने बॉयल किया था चना आलू, उसे इसमें डाल देंगे। सारा पानी के साथ ही डाल देंगे, क्योंकि हमें इसमें ग्रेवी चाहिए होगा। थोड़ा सा ग्रेवी रहता है चना आलू की सब्ज़ी में, तभी खाने में अच्छी लगती है। और जो हमने क्रश करके रखा था, वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। और एक बार अच्छे से हम ऐसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, आलू भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। हम इसे ऐसे तोड़ लेते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो आप आलू थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि आलू इसमें से खोज खोज के बच्चे निकाल लेते हैं। और ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसे कवर करके पकाएंगे। तो फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम में हम 4 से 5 मिनट इसे पका लेंगे। और यहाँ पे हमारे चना सब्ज़ी रेडी है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, ग्रेवी परफेक्ट है। ठंडा होने के बाद इसका ग्रेवी और रिड्यूस हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और इसमें बारीक कटे हुए हरा धनिया डाल देंगे। और साथ ही 1/2 टीस्पून के आसपास मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला था। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी चना की सब्ज़ी रेडी है। आप इसे रोटी चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो प्रोटीन से भरपूर इस चना सब्ज़ी को हफ्ते में आप 2 बार तो बना ही सकते हैं। बनाने में आसानी भी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।